दोस्तों इंडिया में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते या घटते रहते हैं। ऐसे में कंपनियां गवर्नमेंट के बदलते रूल्स के कारण धीरे धीरे अपने डीजल गाड़ियों को भी बंद कर रहे हैं। और ऐसे में एक आम आदमी के लिए अपने गाड़ी से ज्यादा माइलेज निकालने का बेस्ट तरीका है उसमें सीएनजी किट इंस्टॉल करना। लेकिन कई बार आफ्टर मार्केट जाके सीएनजी किट इंस्टॉल करने से लोग अपनी गाड़ियों की वारंटी को ही खो बैठते हैं। ऐसे में अगर आप डायरेक्ट कंपनी से एक सीएनजी मॉडल को खरीदते हैं तो आपके लिए बाद में जाके ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसलिए मोटो योगी के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट में मौजूद टॉप 10 बेस्ट सीएनजी गाड़ियों के बारे में, जिनमें आपको कंपनी से ही सीएनजी के ऑप्शन मिलने वाली है और ये गाड़ियां आपके लिए बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी होने वाली है। और जबकि माइलेज की बात हो रही है तो इस वीडियो में हम इनके माइलेज और लुक्स के बारे में ही बात करेंगे, जिससे आपको समझने में भी थोड़ी आसानी हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मोटो योगी को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें ग्रो होने के लिए आपकी थोड़ी मदद मिल सके। तो हमारी पहली कार है टोयोटा टेजर। टेजर इंडिया में टोयोटा की एंट्री लेवल कार है, जो दिखने में भी काफी शानदार लगती है। और आपको बता दें कि ये मारुति फोनोस की रिवाइज वर्जन है। इसके अलावा टोयोटा टेजर की सिर्फ एक ही वेरिएंट में सीएनजी ऑफर करती है, जो है इसकी ई सीएनजी वेरिएंट, जिसमें एक 1.2 लीटर की डुअल जेट इंजन दी गई है, जो 76 bhp और 98 nm टॉर्क की पावर देती है। और माइलेज की बात करें तो टेजर सीएनजी में 28 किलोमीटर पर केजी की माइलेज निकाल के देती है। इसके अलावा प्राइसिंग की बात करें तो टेजर की सीएनजी वेरिएंट आपको 9.92 लाख की ऑन रोड कीमत में मिलने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट कार है टाटा पंच, जो इंडिया के सेफेस्ट कार्स में से एक है। बात करें माइलेज की तो पंच सीएनजी आपको 27 किलोमीटर पर केजी तक की माइलेज निकाल के दे सकती है। और टाटा सीएनजी में पंच की टोटल 5 अलग अलग वेरिएंट्स ऑफर करती है, जो ऑनरोड दिल्ली 8.17 लाख से लेकर के 11.08 लाख तक जाती है। और पावर की बात करें तो इसमें लगा 1.2 लीटर रेबोट्रॉन इंजन 72 bhp और 103 nm टॉर्क की पावर देती है। इसके बाद आठवें नंबर पे है मारुति अर्टिगा। अगर आप सीएनजी में एक अच्छी माइलेज देने वाली 7-सीटर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो अर्टिगा आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होने वाली है, जो सीएनजी में आपको 26 किलोमीटर पर केजी की माइलेज निकाल के दे सकती है। और वेरिएंट्स की बात करें तो अर्टिगा सीएनजी में ZXI और VXI इन दोनों वेरिएंट्स में ही आती है, जो आपको ऑन रोड दिल्ली 12.64 लाख और 13.90 लाख में मिलने वाली है। इसके बाद इंजन और पावर की बात करें तो अर्टिगा में लगा 1.5 लीटर K15C इंजन 87 bhp और 121 nm टॉर्क की पावर देती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कार है होंडा एक्सटर, जो सीएनजी में 27.1 किलोमीटर पर केजी की माइलेज निकाल के देती है। और होंडा इसको सीएनजी में एस और एसएक्स इन दोनों वेरिएंट्स में ही ऑफर करती है। इंजन की बात करें तो एक्सटर सीएनजी में एक 1.2 लीटर की कापा बायफ्यूल इंजन दी गई है, जो 65 bhp और 95 nm टॉर्क की पावर देती है। और प्राइसिंग की बात करें तो इसकी एस सीएनजी आपको 9.46 लाख और एसएक्स वेरिएंट आपको 10.26 लाख की ऑनरोड कीमत में मिलने वाली है। इसके बाद नंबर 6 पे है टाटा टिगोर। अगर आपको सीएनजी में एक सेडान गाड़ी चाहिए जिसमें आपको बूट स्पेस अच्छी खासी मिले, तो आप टिगोर के सीएनजी वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। और इंडिया में ये एक ऐसी गाड़ी है जो सीएनजी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन ऑफर करती है। माइलेज की बात करें तो टिगोर सीएनजी में आपको 28 किलोमीटर पर केजी की माइलेज निकाल के दे सकती है। और माइलेज के साथ साथ इसमें लगा 1.2 लीटर इंजन 72 bhp और 95 nm टॉर्क की पावर भी देती है। और प्राइसिंग की बात करें तो टिगोर सीएनजी इंडिया में टोटल 5 अलग अलग वेरिएंट में आती है, जो 8.74 लाख से लेकर के 10.75 लाख की ऑन रोड कीमत तक जाती है। इसके बाद पांचवें नंबर पे है टोयोटा ग्लांजा, जो बलिनो की रिवाइज वर्जन है, लेकिन ये दिखने में बलिनो से थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और प्राइसिंग की बात करें तो ग्लांजा इंडिया में एस और जी इन दोनों वेरिएंट में आती है, और इन दोनों की ही ऑन रोड प्राइस है 9.81 लाख और 10.95 लाख रुपीस। इसके अलावा पावर और माइलेज की बात करें तो ग्लांजा की 1.2 लीटर इंजन 76 bhp और 99 nm टॉर्क के साथ साथ सीएनजी में 30.61 किलोमीटर पर केजी की माइलेज देती है। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट कार है मारुति डिजायर। डिजायर मारुति की मोस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट सेडान है, और सीएनजी में ये VXI और ZXI इन दोनों वेरिएंट में आती है। और माइलेज की बात करें तो डिजायर सीएनजी में 31.12 किलोमीटर पर केजी की माइलेज देती है, और इसमें लगा 1.2 लीटर डुअल जेट इंजन इसे 76 bhp और 98 nm टॉर्क की पावर देती है। और प्राइसिंग की बात करें तो इसके VXI सीएनजी वेरिएंट 9.53 लाख और ZXI सीएनजी वेरिएंट 10.28 लाख की ऑन रोड कीमत तक जाती है। इसके बाद जो सीएनजी में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार है वो है सिलेरियो। सिलेरियो सीएनजी में इंडिया में सबसे ज्यादा यानी 34.43 किलोमीटर पर केजी की माइलेज निकाल कर देती है। इसकी इंजन और पावर की बात करें तो सिलेरियो सीएनजी में एक 1 लीटर की KTNC इंजन दी गई है, जो 56 bhp और 82 nm टॉर्क की पावर देती है।
और सिलेरियो के सिर्फ एक यानी VXI वेरिएंट में ही आपको CNG की ऑप्शन मिलेगी जो इंडिया में 7.57 लाख की ऑन रोड कीमत तक जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कार है मारुति सुजुकी वैगनर। वैगनर में आपको इसकी दो वेरिएंट यानी LXI और VXI में कंपनी फिटेड CNG की ऑप्शन मिलती है और माइलेज की बात करें तो वैगनर CNG में अप टू 34 किलोमीटर पर KG तक की माइलेज निकाल के देती है। इसके अलावा इंजन की बात करें तो वैगनर CNG में एक 1 लीटर की K10C इंजन दी गई है जो सिलेरियो की तरह ही 56 BHP और 82 Nm टॉर्क की पावर देती है। और प्राइसिंग की बात करें तो वैगनर की CNG वेरिएंट 7.25 और 7.75 लाख की ऑन रोड कीमत तक जाती है। और दोस्तों नंबर 1 पे जो कार है वो एक नहीं बल्कि दो कार है और वो है मारुति की ग्रैंड विटारा और दूसरी है इसकी जुड़वा बहन यानी टोयोटा हाइलाइटर। ये भले ही दो अलग कंपनी की अलग अलग गाड़ियां हो लेकिन ये दोनों ही सेम है जिसमें आपको लुक थोड़ी बहुत अलग मिलती है लेकिन इनकी इंजन और फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। और अगर आपकी बजट थोड़ी ज्यादा है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये दोनों ही गाड़ियां एक बड़ी SUV के कैटेगरी में आती है। इंजन की बात करें तो इन दोनों में ही आपको सेम यानी 1.5 लीटर की इंजन देखने को मिलेगी जो इन्हें CNG में 87 BHP और 121 Nm टॉर्क की पावर देती है। और माइलेज की बात करें तो ये दोनों ही आपको CNG में 26.6 किलोमीटर पर KG की माइलेज देने वाली है। और इन दोनों की ही दो वेरिएंट यानी ग्रैंड विटारा की डेल्टा और जेटा वेरिएंट में और हाईराइडर की S और G वेरिएंट में आपको CNG मिलने वाली है। और प्राइसिंग की बात करें तो इनके CNG वेरिएंट्स आपको 15.09 लाख से लेकर के 18.06 लाख की ऑन रोड कीमत में मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी अभी के टाइम में इंडिया की टॉप 10 बेस्ट CNG कार्स। आपको इनमें से कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी और आप इनमें से किस गाड़ी को लेना चाहेंगे हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर और मोटो योगी को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।